नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फंडिस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि चार बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ दो ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन दो में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पर आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के दो मानी होती है अरबी में, एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना, किताब के दो मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था चार किताबों में हमें यकीन है, तोरा जबूर इंजील और कुरान, तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहि सलाम पे, अने वही के जरिए, वी बिलीव इन रेवलेशन, सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगम्बरों पर। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना, मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए, फोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है। हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने के अमेरिका खुद जाने की जरूरत है, फोन पे कह सकता हूँ क्या नहीं, ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसा किताब की शक्ल में है, अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए। जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, वो लेके अपने साहबा अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, तो लिखते थे, दोहराओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो वो कहते थे अपने जबान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ और वो सुनते थे, हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में कह दो शराब के अंदर नुकसान भी फायदे भी है, नुकसान फायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक, मैं कहता हूँ हिंदी में बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोटेड हिमसेल्फ, ही इज ऑथर। आप समझे ना, ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम, दैट डजंट मीन ही रोटेड विद हिमसेल्फ विद द पेन, ही इज द ऑथर मीन्स दिस बुक कुरान इज वही, अ रेवलेशन रिवील्ड फ्रॉम अल्लाह सुभानहू व तआला टू हिज मैसेंजर एंड देन इट गिवन इन द बुक फॉर्म। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए। ये आखिरी 2 सवालों में से सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है। गुड इवनिंग सर, दिस इज अमर हियर। एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग, एज ऑफ नाउ व्हाट आई हैव गेन्ड सर्टेन नॉलेज अबाउट द इस्लाम, एवरी रिलीजन टेल्स यू इफ यू हर्ट समवन यू आर बाउंड टू गेट हर्ट। In spite of that, there is a major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know, how can we eradicate that?
भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हुआ धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालु इला कलिमतिन सवा इन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही गलत फहमी, इसलिए अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक खुदा